बीते 8 मार्च की शाम कैंट थाना क्षेत्र में बकरा मंडी मोहल्ले में समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल के अंदर नाबालिग बालिका के साथ समुदाय विशेष के युवक द्वारा दुष्कर्म के प्रयास किए जाने के मामले में करीब सप्ताह भर प्रयास के बाद आखिरकार पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को पुलिस उप महानिरीक्षक फैजाबाद परिक्षेत्र ने 50,000 रुपए की बड़ी धनराशि के पुरस्कार से पुरस्कृत किया। गिरफ्तारी की कार्रवाई कोतवाली अयोध्या के रानोपाली इलाके में रेलवे लाइन के किनारे से बताई जा रही है, जिसे अंजाम देने के लिए प्रभारी निरीक्षक कैंट राजेश कुमार सिंह और स्वाट टीम प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह मौजूद रहे। हवा के प्रकरण में आज आपने खुलासा किया है और कैसे क्या हुआ बता दीजिए। आपको मालूम है कि 8 मार्च को एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी। एक धार्मिक स्थल है, उसके बगल में एक हॉस्टल है जिसमें कि लोग किराए पे रहते हैं, और वहाँ पे एक नाबालिग बच्ची को ले जा करके उसके साथ गलत हरकतें की गई थी। उसमें मुकदमा थाना कैंट पे कायम था और उस संबंध में लगातार हमारी टीमें जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अपराध संख्या 76/18 में तो हम लोगों को जितने CCTV फुटेज लगे हुए थे सड़कों पर, और बाकी हमने 14,000 वोटर लिस्ट निकलवाई थी आसपास के मोहल्लों की। एक एक वोटर लिस्ट में फ़ोटो लगी हुई थी सारे मतदाताओं की। इससे हम लोग के और बाकी कुछ हमारे जो सादे वस्त्रों में हमारी स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर कोतवाली नगर, इंस्पेक्टर कैंट, SO महिला थाना, हमारे ऑफिस से के साई मुन्ना कुमार हैं, सब लोग टीम बना के लगे थे। जिस टेम्पू से वो भागा था उस टेम्पू को भी हम लोग ट्रेस कर लिए थे और टेम्पू भी पकड़ा गया था। तो ये जो आदमी निकला है मोहम्मद शादान अंसारी, और इसके पिता का नाम मोहम्मद आबिद है, ये शाहजहाँपुर रानोपाली चौकी का रहने वाला है। ये 2014 में एक मामले में 76/34 में पहले भी जेल जा चुका है कोतवाली नगर से, और ये अभी जो है 2016 में 457/380 मुकदमा लिखा गया था, उसमें इन्वर्टर और बैटरी बरामद हुई थी, उसमें भी जेल गया था 2016 में कोतवाली अयोध्या से। और एक दिन अभी अभी एक लड़के को ले जाके गलत हरकत करने का प्रयास किया, जिसका मुकदमा अयोध्या में लिखा 377 व्यापार मंडल के लोग ही बताए थे। वो लोग भी CCTV फुटेज देख के पहचान गए कि यही लड़का था। असल में ये शराब पीने का आदी है और इस तरह का साइको थोड़ा सा इसका वो हो गया है, तो ये घर वाले इसको निकाल दिए हैं। तो कभी रेलवे स्टेशन अयोध्या पे, कभी नया घाट पे इसी इधर उधर रहता है, और वही कपड़ा, एक चिपकी हुई नीली जीन्स और सफ़ेद शर्ट, ऊपर गमछा लगाए ये पैदल ही चलता रहता है। हमारी टीमें पैदल लगी हुई थी अयोध्या के हर आसपास, जो मंदिर खंडहर हो, रेलवे स्टेशन, सरयू जी किनारे। खैर ये बड़ी मेहनत से मिल गया है और इसने अपना जुर्म भी स्वीकार किया। इसने बताया कि हम यहाँ नियावा पे आए हुए थे, ककरहे बाजार में कहीं शराब वराब मिलती है उसको पीने के लिए, एक छोटी मछली होती है उसको लेने के लिए मछली मंडी गया था। तो उस दिन संजू से वो शेरवा या जेरवा कौन छोटी मछली होती है वो नहीं मिली। ये पैदल आ रहा था यहाँ चौराहे की तरफ, तो इसने देखा कि बच्ची अकेले जा रही है, इस तरह का है भी। इसने उससे पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो उसने कहा वो तो दुकान पे हैं। इसको लगा कि पिताजी नहीं हैं, उसने कहा तुम्हारे पिताजी कुछ पैसा बाकी, चलो आगे हम देते। इस तरह इसको बातचीत में इतना उलझा लिया, जैसा कि CCTV फुटेज भी दिखाई देता है, कि उसको वहाँ ले गया मस्जिद के ऊपर और इसके साथ इस तरह से गलत हरकत किया। और जब वो चिल्लाने लगी थी, जैसा कि बताया कि भाग गया था। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों के लगातार अपील करने के बाद भी लोग CCTV कैमरे नहीं लगवा रहे, जबकि CCTV कैमरा जो है हर जगह लगाना चाहिए, चाहे धार्मिक स्थल हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हो, कोई भी अगर हॉस्टल प्राइवेट भी बनाया जहाँ किराए पर लोगों को रख रहा है, हर जगह CCTV कैमरा होने, जितने अच्छे लोग हैं, जिससे वो CM डायग्नोस्टिक वाले और लोग जिन्होंने CCTV कैमरा लगा रखा, उसके माध्यम से हम लोगों को बहुत सहूलियत हुई इस घटना को वर्कआउट करने। पुलिस टीम को क्या इनाम दिया? पुलिस टीम को 50,000 रुपया पुरस्कार DIG साहब द्वारा दिया गया। DIG ने पौरा
पौराणिक स्थल भरत कुंड में नर पिशाचिनी मेले की शुरुआत धूमधाम से आज शुरू हुई। इस विश्व प्रसिद्ध मेले में दूर दूर से लोग आए हुए हैं तथा पूरा इलाका भीड़ से भरा रहा। व्यापारियों ने आकर अपनी दुकानें लगाई एवं पंडितों ने अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया। यह मेला कल दिनांक 16 मार्च तक चलेगा। आज प्रेस क्लब में मानव एकता मंच के तत्वाधान में श्री काशीराम की जयंती धूमधाम से मनाई गई एवं एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि युगल किशोर शरण शास्त्री रहे एवं अध्यक्षता प्रदीप कोरी, प्रांतीय अध्यक्ष युवा कोरी समाज ने किया। इस अवसर पर सभी लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। मौके पर राम सुंदर वर्मा, भुज मित्र विदासी, जेपी शास्त्री सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। टेलीकॉम एजेंसियों से पूरा शहर परेशान है, कभी पाइप डालने के बहाने तो कभी अंडरग्राउंड केबल डालने के बहाने। जहां चाहते हैं सड़क किनारे गड्ढा खोदकर छोड़ देते हैं और हफ्तों महीनों ठीक नहीं करते। अब यही काम बीएसएनएल ने शुरू कर दिया है। तहसील रोड पर तिकुनिया पार्क के पास खोदा गड्ढा हफ्ते से खुदा पड़ा है। कई लोग गिर चुके पर विभाग आँख बंद कर बैठा है। लोगों में काफी आक्रोश है। तहसील तिकुनिया पार्क के सामने ये गड्ढा खुदा हुआ है, ये क्यों खोदा गया, क्या वजह थी? ये बीएसएनएल वालों ने अपने जो है अंडरग्राउंड लाइन को मतलब चेक करने के लिए खोदा। वो खोदने के बाद चले गए कि कल पाट देंगे, परसों पाट देंगे। इंतजार करते करते लगभग एक महीना हो चुका जिसमें एक जानवर प्लस तीन चार लोग गाड़ी से मतलब गिरने से बचे। एक बच्चा छोटा था जो गिर गया, फिर हम लोगों ने उसे उठाया और आज तक जो है बीएसएनएल का कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी इसके ऊपर नहीं गौर किया। क्या यही कंडीशन है? जनता गिर जाए तब तो कोई बात नहीं। अरे मैं कहता हूँ कोई अधिकारी की गाड़ी इसमें गिर जाए, अधिकारी गिर जाए, उसके हाथ पैर टूट जाए, तब एहसास हो कि हाँ वास्तव में जो है ये गलत है। कृपया मैं बीएसएनएल वालों को ये मतलब अवगत कराना चाहता हूँ, ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। कृपया इस प्रकार की जो कमियाँ उनके कर्मचारियों से होती है कृपया उसको जो है नजरअंदाज न करके उस पर कार्रवाई करें, वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जबकि एक नियम आया हुआ है अगर कोई गड्ढा खोदता है कुछ करता है तो उसको पाटने के बाद स्वयं होता है, ये मेरे क्या कहना आपका है? गड्ढा स्वयं पाटे जो खोदे उसमें क्या कहना आपका है? अरे उनके कर्मचारियों ने खोदा, खोदने के बाद उनके कर्मचारियों से मैंने ये भी कहा भैया इसको बंद कर दो, लेकिन इसके बाद कोई सुनवाई नहीं, खोद दिया चले गए, काम उनका हो गया। क्या नाम आपका है? क्या नाम है आपका? मुझे सोनी सोनी कह के पुकारते हैं। दुनिया पर सामने यहाँ पर गड्ढा खुदा हुआ है जी, कब से खुदा है, क्या है ये? लगभग 14 से 15 दिनों के बीच में दूरसंचार विभाग द्वारा खुदा गया है जिससे कई लोग इसमें जो है गिर के दुर्घटनाग्रस्त भी हुए, लेकिन विभाग की तरफ से अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही गड्ढा कोई बंद हुआ। कोई देखने भी नहीं आया इसको? ना ही कोई विभाग से देखने आया, जब से जैसे ही खुदा था वैसे ही पड़ा हुआ है। क्या नाम है? अमर श्रीवास। हुआ तुम्हारे साथ, कैसे क्या हुआ था? असल में वहाँ से इतनी देर से खोल के रखे हुए हैं कि बना नहीं रहे हैं, गुस्सा बहुत तेजी से लग रहा है कि क्या करें, मेरी गाड़ी स्लिप कर गई थी आपको पता ही है, फिलहाल मैं आपको बता चुका हूँ। और ये भी अच्छी तरीके से पता कितने लोग गिर के बूढ़े बूढ़े लोग आ रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा कैसे क्या सोचते हैं, बराबर है लेकिन कोई कुछ हो ही नहीं पा रहा है, कोई बनाने की कोई तैयार नहीं हो रहा है, कैसे कब तक चलता रहेगा? एक दिन दो दिन की बात तो चल जाए, हफ्ते भर के 10 से 15 से 20 दिन होता होता चल रहा, कब तक ऐसा चल पाएगा आप ही सोचिए। तो राज्यों में काफ़ी दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, कम से कम हल्का फुल्का कोई वो किया जाएगा तो हो जाएगा। क्या नाम आपका? समझ नहीं आ रहा है। क्या नाम आपका? नाम क्या है? अरुण सिंह। बहुजन मुक्ति पार्टी ने तहसील स्थित तिकोनिया पार्क पर काशीराम की जयंती पर चलो बूथ की ओर नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें उन्होंने अपने को मूल निवासी बताते हुए मनुवादी व्यवस्था का विरोध किया। इस मौके पर काफी लोग एकत्र रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मुकेश कुमार महासचिव VMP फैजाबाद रहे एवं मुख्य अतिथि सुनील निषाद रहे। आज यहाँ पर तिकोनिया पार्क में इकट्ठा हुए हैं, क्या है प्रकरण? क्या तिकोनिया पार्क में मानवर काशीराम जी के जन्मदिन पर हम लोग बहुजन दिवस के रूप में ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जो हमारा मुख्य मुद्दा है कि आज़ादी के 70 सालों तक आज तक जात आधारित जनगणना न कराना प्रजातंत्र के साथ या यहाँ के मूल निवासी समाज के साथ धोखा है कि इन्हें अपनी जनसंख्या का पता न लगे।
दूसरे ईवीएम से चुनाव करा करके घोटाले की तमाम ईवीएम की आप लोग पत्रकार बंधु हैं जानते हैं कि तमाम जगह ईवीएम मशीन खराब हो जाती है। दो तीन जगह भोपाल में स्पष्ट देखा कि डीएम ने जो बटन दबा रही थी सब कमल के फूल पर जा रहा था, उन्हें सस्पेंड करके हटा दिया गया। इसका मतलब है कि ईवीएम की जो बेईमानी की चर्चा हो रही है वो 100% क्योंकि बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी, जीबीएल नरसिंहा, सुब्रमण्यम स्वामी दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी से कहा कि हम कौन सी ऐसी तरकीब लगाएं जिससे निष्पक्ष चुनाव हो। उन्होंने कहा था कि ईवीएम मशीन के साथ पेपर टेल का इंतजाम किया जाए और पेपर टेल लगने के बाद अगर किसी ईवीएम पर विवाद हो तो पेपर टेल गिन करके अभी जिस तरह से अभी दो चुनाव उपचुनाव हुए हैं फूलपुर और गोरखपुर और वहाँ पर तो बीजेपी हार चुकी, इसमें क्या कहना आपका ईवीएम कैसे सुधारेंगे खराब? ऐसा है साथ महोदय कि वहाँ भी आप देखिए कि फूलपुर में भी कई ईवीएम, कम से कम 50 ईवीएम खराब मिली जिन्हें बदला गया और गोरखपुर में जब बीजेपी पिछड़ रही थी पहले राउंड के बाद 2 घंटे क्यों रोका गया चुनाव, इस पे शंका हर आदमी करता है। आपके मीडिया ने भी उठाया कि कोई कारण है इसलिए मीडिया को बाहर किया जाता है, बाहर किया गया और इसको ना बताया जाना, छुपाना, जबकि 11 राउंड की गिनती हो रही थी, हो चुकी थी और 1 राउंड का बताया जा रहा था, इसमें आपको भी शंका है, पूरे भारत के जनमानस।